गुजरात में कांग्रेस ने अब ये मान लिया है कि वो अपने दो उम्मीदवारों को राज्यसभा का चुनाव नहीं जिता सकती, इसलिए अब उसने अपने उम्मीदवार की दावेदारी वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन शक्ति सिंह गोहिल और भरत सिंह सोलंकी में किसी एक को चुन पाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। इसके लिए कांग्रेस ने बीके हरिप्रसाद और रजनी पाटिल को पर्यवेक्षक बनाया है। अब ये दोनों नेता जयपुर जाएंगे, वहां के विधायकों की राय लेंगे और फिर विधायकों की राय पर अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेंगे। कांग्रेस को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि शक्ति सिंह गोहिल को भरत सोलंकी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बीजेपी ने अपने तीसरे उम्मीदवार नरहरी अमीन को मैदान में उतार दिया। कांग्रेस का खेल तब से ही खराब होने लगा है। अब तक कांग्रेस के 5 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं और कई ऐसे छुपे रुस्तम हैं जो या तो इस्तीफा देंगे या फिर क्रॉस वोटिंग करेंगे। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस के करीब 1 दर्जन से ज्यादा विधायक हैं जिन पर बीजेपी की नजर है। अब कांग्रेस के सामने बड़ी मुश्किल ये है कि वो अपनी पार्टी की ताकत को बचाए रखे या फिर राज्यसभा की हारी हुई बाजी में बीजेपी के साथ जोर आजमाइश करे। कांग्रेस के मैनेजर्स को लगा कि पार्टी के विधायकों को बगावत करने से रोकना फिलहाल राज्यसभा की सीट से ज्यादा जरूरी है और इस वजह से पार्टी ने अपना एक उम्मीदवार वापस लेने का फैसला किया। लेकिन सवाल ये है कि शक्ति सिंह गोहिल और भरत सोलंकी में से वो कौन होगा जिसकी उम्मीदवारी कांग्रेस वापस लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।